तो आज है भाई साहब आलू जो कि दो बोरा है, मतलब एक क्विंटल आलू है, आधा क्विंटल भांटा है, और ये टमाटर जो है ना ये है भाई साहब 4 कैरेट, मतलब 25-25-50 एक क्विंटल के आसपास टमाटर है, और सेमी है, और गोभी है आधा क्विंटल, और आधा क्विंटल है अपना बंधा गोभी। तो ये आइटम है पूरा पूरा ये बने भाई साहब अपना 6000 रुपीज का पूरा वेजिटेबल। 6000 रुपीज हाँ पूरा 6000 की इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब देखते हैं भाई साहब इतना को बेचने पर कितना रिटर्न मिलता है 6000 के इन्वेस्टमेंट में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? वापस से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि आज का ब्लॉग ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज ना बहुत बड़ा मार्केट है मेरा काठाकोनी का मार्केट, और वहां जो है राउत बाजार भराना है। राउत बाजार आप लोग पहले ब्लॉग्स में देख लिए होंगे कि यादवों के द्वारा जो राउत नाच आयोजित किया जाता है, तो उसी के उपलक्ष्य पर ना एक मार्केट भराता है जिस पर आसपास के सभी गांव वाले जो है आते हैं। तो अभी तक मैं जितना भी मार्केट जाता हूँ ना वहाँ से सबसे बेस्ट मार्केट है काठाकोनी, और वहाँ बहुत ज़्यादा जो है पब्लिक जो है बहुत भीड़ लगता है, बहुत सब्जियाँ बिकती है। तो आज ना बहुत सारी सब्जियाँ मैं खरीदने वाला हूँ, लगभग 5000 के ऊपर का सब्जी जो है लेके जाएंगे बेचने के लिए। लेकिन अभी फिलहाल भाई सब निकल रहे हैं सब्जी मंडी, और आज बहुत जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा सामान लेना है मेरे को, और बने रहना व्लॉग में लास्ट तक, क्योंकि आज आपको ना अलग लेवल का मोटिवेशन और अलग चीज़ सीखने को जरूर मिलेगा, मतलब देखने को मिलेगा कि एक्चुअल में कितना इतना मेहनत करने के बाद कितना प्रॉफिट कमा पाते हैं। तो चलो फटाफट से देखो मेरा कैरेट है ये कल वाला, कल के मार्केट का, जिसको अभी गाड़ी पे फटाफट से पैक करता हूँ। ये देखो भाई, चलो भाई सब चलते हैं। भाई साहब फिलहाल तखतपुर सब्जी मंडी पहुंच चुके हैं, और आज ना बहुत जल्दी आ गया हूं मैं यार। तो देखो पूरा मंडी खाली है, सामान ही नहीं आया है मंडी में, ये पूरा खाली है, अभी एक भी जगह सामान नहीं आया है। गाड़ी अभी आ रहा है भाई, चलो किसान मार्केट की तरफ से घूम के आते हैं क्या क्या सब्जी आया हुआ है भाई, देखते हैं। देख सकते हैं कमीशन की तरफ से भी किसान मार्केट की तरफ आए हुए हैं, और इधर देखो भाई साहब गोभी भाटा, गोभी 20 रुपये किलो बता रहे हैं अभी, और बैगन का पता नहीं यार बैगन कद का बताते हैं। सब देखो भैया लोग तो गोभी खरीद लिया भाई साहब, मैंने एक खरीदा, तो भाई साहब फिलहाल मैंने गोभी भाटा सेमी खरीद लिया है, और अभी आया भाई साहब बंधा लेने के लिए। देख सकते भाई साहब कितने रुपए किलो लगे भाई, 10 रुपए किलो बोरी, 10 रुपए बोरी, एक बोरी दे दो मेरे भाई, ये वाला बोरी जो है मैं बंधा खरीद रहा हूँ, एक बोरी निकाल दो राजेश, एक बोरी बंधा 10 रुपए किलो बंधा है, एक बोरी दे देना, एक बार बंधा निकाल दे भाई, वही नीचे वाले निकाल दे, ठीक है, देला देला हिल दो, हाँ अच्छा माल है ना, हाँ एक नंबर है, एक नंबर माल है, हाँ कलेजी है भाई, ले 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 बंधा को रख के आ गया है, बहुत वजन था इस साइड से टेढ़ा हो गया लगता है, पुश पर आज बन जाऊंगा मैं, ऐसा चलना पड़ेगा। सब्जियां तो हो गया है लगभग ले लिया है, अभी मैं आया हूँ टमाटर लेने, देख सकते हैं पीछे बोली हो रहा है, टमाटर जो है 200, 210, 220, ये देखो पूरा भीड़ लगा हुआ है भाई साहब, टमाटर क्वालिटी में है भाई साहब। तो भाई साहब फिलहाल टमाटर लेने के बाद गाड़ी पे डाल दिया था मैंने, और अभी मैं लेने के लिए आया हूँ आलू, दो बोरा आलू और ले लेते हैं। देखो बाइक खड़ा है, बाइक पे आलू पैक करवाते हैं, फिर लेके पिकअप में ही डाल देते हैं पूरा सामान को, आज जो है बाइक से नहीं जाऊँगा, आज भैया के पिकअप में जाऊँगा। तो चलो आलू खरीद लेते हैं भाई साहब यहाँ से, दो बोरा, देखो आलू क्वालिटी दिखाता हूँ आप लोग को, ये देख सकते हैं भाई साहब ये आलू, एक बार आलू गाड़ी के ऊपर डाल लिया है और लेके चलते हैं पिकअप के पास भाई। फिलहाल मैंने आलू को ला के देख सकते हैं पीछे डाल दिया पिकअप पे, और लगभग लगभग सभी सामानों को इसी पे डाला है भाई। ये देखो इस साइड का जो ब्लू वाला कैरेट दिख रहा है, और बंधा है, गोभी है, इधर भाटा भाटा है, और दो बोरी आलू है, तो सभी आइटम को डाल दिया है। चलो भाई साहब फिर यहाँ से अब निकलते घर, परसू मेरा सामान को ठीक से लाना भाई, ठीक है, और गोभी गोभी को ऊपर में रखना, ठीक है। चलो गाइस निकलते हैं यहाँ से अब घर। तो गाइस फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ घर, और चलो अभी नहा लेते हैं यार जल्दी से, क्योंकि थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा मार्केट जाने के लिए, 2 बजे ही निकल जाऊँगा, 2:30-2 बजे,
चलो चलिए नहाते, खाना वाना खाते, भाई टाइम की बहुत कमी है आज। भाई साहब फाइनली अभी 1:30 बज रहे हैं और बहुत जल्दी मार्केट जाना पड़ रहा है। जो अपना पिकअप है ना जिसमें सामान डाला हूँ वो थोड़ा सा टाइम में आ गया यार, और सामान भी उसमें इतना ज़्यादा है, बैठने का जगह नहीं होगा, इस वजह से बाइक से ही जा रहे हैं। मैं सोचा था कि उसी में चलें करके, लेकिन बाइक से चलते हैं फिलहाल। और यार आज ना मैं सब्जी कितने के लेके आऊँ भाई साहब, तो मतलब लगभग मैं 57-58 सौ रुपये का सब्जी लेके आया हूँ, जिसमें 250-250 किराए बन जाएगा, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 6,000 रुपये 6,000 रुपीज़ का वेजिटेबल्स आया है भाई आज। तो देखते हैं कि कितना सेलिंग हो पाता है। पहले तो फिलहाल मार्केट ही चलते हैं यार, क्योंकि जगह का बहुत ज़्यादा समस्या है बता रहे हैं। निकलते हैं जल्दी से भाई, क्योंकि लेट हो जाएगा, जगह ही नहीं मिलेगा भाई। भाई साहब फिलहाल मार्केट पहुंच चुके हैं, और मार्केट में ना आज जगह का भारी केचर पेचर है यार, पूरा मतलब कि लड़ाई झगड़ा। देखो अलग, क्योंकि मार्केट जो है ना बाकी दिन उधर लगता है उस साइड, कि ना आज इधर लग रहा है। तो देखो सब लोग पूरा सवेरे से ना आके सब लोग लगा के चल दिए थे भाई, और मेरा जगह देखो ये यहाँ पास है। चलो भाई गाड़ी खड़ा करते हैं और लगाते हैं यार। तो भाई साहब फाइनली दुकान लगा के रेडी यार, मैंने जल्दी हड़बड़ में पूरा दुकान लगाया भाई साहब, एकदम हालत ख़राब हो गया। और देख सकते हैं पहले कस्टमर अपने आ गए हैं, सब्सक्राइबर है भाई अपने ढूंढते आओ खरीदो यार, क्या कैसे बताओ, कुछ ऑर्डर करो। कैसे दे रहे आलू यार? आलू ले जाना सस्ता लगेगा, 30 रुपये दे रहे हैं, 2 किलो 50 लगेगा। 2 किलो 50? हाँ 30 रुपये किलो है आलू। और भाटा? भाटा जो है 20 रुपये किलो भाटा। और कुछ? टमाटर? टमाटर है 15 रुपये किलो टमाटर। मैं तो रखे नहीं, और धनिया पत्ती चटनी कैसे खाएंगे? धनिया पत्ती है यार उधर है नानी के पास, थोड़ा सा दूर में बैठी है नानी ना। और बताओ कैसा लग रहा है? आप चेक कर दो, 10-10 किलो। अरे दादा चटनी खाएंगे, दोपहर में खाएंगे, रात में खाएंगे, लंच डिनर सब हो जाएगा। गजब, चेक करते हैं भाई साहब। तो भाई साहब देख सकते हैं पूरा इतना सारा सामान है, आप लोग को पहले ही मैं बता चुका हूँ, पूरा ये बने भाई साहब ना 6,000 रुपीज़ का पूरा वेजिटेबल। 6,000 रुपीज़ है? हाँ पूरा 6,000 की इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब देखते हैं भाई साहब इतना को बेचने पर कितना रिटर्न मिलता है 6,000 के इन्वेस्टमेंट में। मार्केट लग रहा है अच्छा रहेगा करके, क्योंकि हर साल भाई साहब अच्छा ही रहता है यहाँ का मार्केट, बहुत सारा सामान है। देखते हैं अब शाम को ही पता चलेगा। तो भाई चलो मार्केट एक बार घूम के आते हैं यार, कि आज ना स्पेशल मार्केट है, तो कैसा मार्केट लगा है और क्या क्या सब्जी आई हुई है और क्या रेट में बिक रहा है, फिर उसके बाद अपन ही बेचना शुरू करते हैं, मतलब रेट एक बार पता कर लेते हैं हर मार्केट का, पूछते हैं सभी से। और मेरा दुकान एक बार आप लोग देख लो, ये देखो आज है भाई साहब आलू, जो कि 2 बोरा है, मतलब 1 क्विंटल आलू है, 1/2 क्विंटल भाटा है, और ये टमाटर जो है ना ये है भाई साहब 4 कैरेट, मतलब 25-25-50 1 क्विंटल के आसपास टमाटर है, और सेमी है, और गोभी है 1/2 क्विंटल, और 1/2 क्विंटल है अपना बंधा गोभी। तो ये आइटम है पूरा। चलो अब आते हैं भाई साहब घूम के। हाँ चाचा क्या रेट दे रहे हो गोभी? 30 रुपये। और टमाटर? 15। और भाटा? 20। ठीक दे दो पटेल भैया, 500 है, 500 रुपये किलो। हाँ ठीक भाई, ये देखो पटेल भाई का दुकान। कितना बेच रहे आलू भाई? आलू 30 रुपये किलो भाई। और टमाटर? टमाटर 15 रुपये किलो। 15। गोभी भैया? गोभी 30। ये देखो भाई सामने से भाई का दुकान, ये देखो भाई यहाँ का मार्केट इधर कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है, काफी दुकानें भाई, बहुत बहुत सारा दुकान लगा हुआ है आज। तो चलो गाइस दुकान पे बैठते हैं, कस्टमर आए आलू लेने शायद, फिर बात करते हैं। वो देखो भाई, अरे मेरे दुकान के बगल वाली दुकान करेला खरीद रहे हैं शायद, ये देखो इधर से बैगन आया हुआ है, इधर देख सकते हैं मार्केट पूरा फुल, और ये अपना शॉप आ गया भाई साहब, आलू बैगन टमाटर सेमी गोभी बंधा। चलो भाई कस्टमर आया हुआ था ना तो ज़्यादा नहीं घूमा, शॉप पे आना पड़ा मेरे को वापस। चलो बैठते हैं अब यार। अच्छा भैया बैगन वाले 20 रुपये किलो भाटा, 1 नंबर भाटा 20। पेवर पहाड़े आगे 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 आलू वाले आलू वाले आलू वाले आलू वाले आजा भाई आलू वाले आलू वाले आलू वाले आलू भाटा टमाटर आओ का टमाटर आजा भाई टमाटर वाले आलू वाले भाटा वाले सेमी वाले गोभी वाले 20 रुपये किलो टमाटर भैया। तो भाई साहब ज्यादा लोग डांस करने के आए हैं, लेकिन मेरे दुकान में फिलहाल कस्टमर है तो मैं उधर नहीं जा पा रहा हूँ।
सेमी का था फूल गोभी भैया ले जा रहा ₹20 में कोई भी गोभी उठा ले जा, आधा किलो सब ऊपर है। हाँ भाई साहब आ जाओ आ जाओ, आलू वाले आलू वाले आलू की ₹30 किलो पहाड़ी आलू ₹30 किलो। ओके भैया ओके, और इधर का मार्केट देख सकते हैं भाई साहब, तगड़ा लगा है, फुल भीड़ है एकदम खतरा टाइप से। ये देखो काफी भीड़ है भाई साहब, वो देखो उधर यादव लोग डांस कर रहे हैं, ये दूर में बहुत भीड़ भाई, मार्केट बहुत भीड़ है। और भाई सामान को देखो, अपना सामान जो है ना बच गया है थोड़ा थोड़ा, लगभग बहुत सारा आइटम निकल गया, लेकिन मेरा ही नहीं लगभग सभी लोग का सामान जो बहुत बहुत बचा हुआ है भाई। ये देखो बगल वाले भैया का भी, इनका भी, और इधर भैया का भी, पूरा मतलब कि मार्केट ही ना जैसे सोचे थे वैसा मार्केट आज नहीं था, थोड़ा सा डाउन था, और सामान भी बहुत ज़्यादा आ गया था भाई मार्केट में। तो चलो फिलहाल उठाते हैं सामान को, फिलहाल गाड़ी पूरा सामान को देख सकते हैं डाल दिया है। ये देखो पूरा मुसू भाई, विजय भाई देख के ले आना ठीक है। अरे पीछे आ रहा है भाई, चलो गाइस फिर निकलते हैं। फिलहाल घर पहुंच चुके हैं और पिकअप आने का वेट कर रहे हैं। देखो पिकअप आ ही रहा है यार, ये देखो यही पिकअप है। तो चलो भाई साहब सामान को पहले उतारते हैं। तो भाई साहब फिलहाल ऑटो ऑटो बोलते हैं यार, बहुत याद आता है ऑटो का, ऑटो नहीं पिकअप वाले भैया ने छोड़ के चल दिया सामान को, देखो सामने है। तो चलो सबको पहले चलते हैं रूम, रूम नहीं यार घर के अंदर लेके, रूम के अंदर क्या करूँ इसको भरने, आंगन में लेके रखते हैं सब सामान को, फिर देखते हैं कि कितने का सेलिंग करें। भाई सब बताता हूँ आप लोग को। तो गाइस फिलहाल अभी बज रहे हैं रात के 9, और सामान को अंदर करने के बाद मैं खा रहा था खाना, और खाना वाना भी हो गया भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। और यार अपन जो सामान लेके गए थे भाई सब 5800 रुपीज़ का वेजिटेबल्स जो है बना था, और 200 रुपीज़ का गाड़ी का भाड़ा, मतलब कि 600 रुपीज़ बन जाते हैं, और 60 रुपये जो है जगह का किराया लगा, अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं उसको 6100 रुपये 6100 रुपीज़ का वेजिटेबल्स टोटल कॉस्ट अपना आया था। तो ये देख सकते हैं भाई सब, जो अपन 6100 का वेजिटेबल्स लेके गए थे उसको मैंने फिलहाल अभी बेच लिया है 5900 रुपीज़ का, मतलब कि अभी भी मैं 200 रुपीज़ के लॉस में चल रहा हूँ। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो वेजिटेबल्स मेरा अभी बचा है ना, वो सिर्फ जो मेरा बैगन है वो है मात्र 300 रुपीज़ का, 300 रुपीज़ का मात्र जो बैगन बचा है वो, प्लस फूल गोभी बचा है, बंद गोभी बचा है, और आलू बचा है भाई साहब, आलू पूरा पूरा बचा है 700-800 रुपये का, मतलब कि कम से कम में 1000 रुपये का आइटम बचा ही है, ज़्यादा का ही बनेगा, अब कल बेचेंगे तो पता चलेगा। तो गाइस आज तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, थोड़ा सा मतलब डिमोटिवेटिंग है मेरे लिए, क्योंकि इतना मेहनत किए दिन भर, पूरा भाई 2 बजे से गया था मार्केट और इतना सारा वेजिटेबल सेल किया, लेकिन उसके बाद भी नहीं प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट नहीं मिलने का रीज़न ये था कि लालच, मैंने सोचा कि मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा रहा करके बहुत ज़्यादा सामान खरीदा। जनरली आप लोग देख रहे हो कि मैं 3000 ज़्यादा से 4000 का वेजिटेबल्स अभी खरीदता हूँ, 3000 की सेल कर पाता हूँ, लेकिन आज जस्ट डबल का खरीदा ज़्यादा प्रॉफिट होकर के, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स आया था इस वजह से। तो लालच की वजह से भाई, इससे सीख यही मिलती है कि ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, कम 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 में खुश रहो, लेकिन भाई मतलब रिस्क लेना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हो जाता है, मार्केट है कभी अप कभी डाउन चलता रहता है। तो आज प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कल अवश्य अपने को प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन सोने से पहले फिलहाल अभी मेरे को करना है वीडियो को एडिट, और गाइस इसी के साथ आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, कैसा लगा उसको कमेंट जरूर करना, और चैनल पहली बार आया हो तो इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक सभी को जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़। चलो टमाटर वही देखा था सेठ जी, 30 रुपये।